फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी को मेरे ओर से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जोहार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत ही अच्छा हूं, फिट हूं और काम करने के लिए आ गया हूं। तो चलिए आज का ब्लॉग को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग जो है डेली नहीं आ पाया, वो कुछ दिन से नहीं बना पाए थे ब्लॉग, तो इसके लिए सॉरी। तो आपसे कंटिन्यू बनाने की कोशिश करेंगे ब्लॉग। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दिखाते हैं क्या कर रहे हैं आज। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं फाइनली हमारा जो फूलगोभी का खेती है वो अच्छा से हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए तब जाके इतना बड़ा बड़ा हो गया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम कर रहा है कीड़ा बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसको एक एक करके निकालेंगे, हाथ से ही निकालना पड़ेगा। स्प्रे जो कीटनाशक का छिड़काव करने से भी नहीं भाग रहे हैं, तो हम लोग इसमें हाथ से देख देख के निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ऐसा देखना पड़ता है। फूलगोभी का पौधा जैसे ही बड़ा हो जाता है तो इसमें कीड़ा बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसको एक एक करके देखना पड़ेगा और देख सकते हैं फ्रेंड्स, कोस का बूंद कैसे बहुत बढ़िया लग रहा है गोभी पे गिरा हुआ कोस का बूंद। देख सकते हैं कीटनाशक एक बार छिड़काए थे उससे मर गया है कीड़ा बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं घास भी है, जो पानी के लिए बनाए हैं नाला उसमें भी घास हो गया है। इस घास को पूरा कंप्लीट निकालना पड़ेगा तब जाके बढ़िया होगा खेती। तो घास को भी निकालना पड़ेगा। देख सकते हैं केचुआ के वजह से हम लोग का खेती का उपज ज़्यादा होता है। ये मिट्टी को खा के अपना भोजन बना के पौधों के लिए भोजन बनाता है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा फायदा वाला है ये केचुआ जो नेचुरली है। इसमें इसको कोई नहीं खरीद के लाए हैं, ये अपने आप पैदा होके यहाँ पे हम लोग का ज़मीन में है। देख सकते हैं कीड़ा इसको खा के कैसे जाली जाली कर दिया है पत्ता को। कीड़ा बहुत ज़्यादा थे लेकिन दो दिन पहले इसमें कीटनाशक का छिड़काव किए थे, जिसकी वजह से काफ़ी कीड़े भाग गए और काफ़ी कीड़े मर भी गए हैं। इधर का जो दिख रहा है बड़ा बड़ा हो गया है, फिर इधर का काफ़ी छोटा छोटा है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं ताकि जो फूलगोभी है उसको बेचने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर एक ही बार पूरा भर देंगे पूरा टाँड़ में तो दिक्कत हो जाएगा, बेचने में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके वजह से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं ताकि कंटिन्यू चलते रहेगा मार्केट में। ये वाला पहले बेचेंगे, फिर इधर वाला, फिर इधर वाला, फिर इधर वाला, ऐसा लाइन लाइन चलते रहेगा। अगर एक ही बार सब गोभी एक ही बार तैयार हो जाएगा तो बेचने में दिक्कत हो जाएगा, बेच नहीं पाएंगे, बर्बाद हो जाएगा, जिसकी वजह से ऐसा खेती करते हैं हम लोग। देख सकते हैं ये पौधा पूरा एकदम से झुरमुरा गया है, इसमें ज़रूर कीड़ा होगा। देख सकते हैं कीड़ा यहाँ पे है, ये देखिए कीड़ा इस प्रकार का है। देख सकते हैं फ्रेंड्स,
ऐसा कीड़ा पूरा बर्बाद कर देता है पौधा को एकदम से, इसलिए बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अभी बारिश हो रही है, आज का ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज शुरू किए, कुछ दिन से गैप था, कुछ दिन से ब्लॉग नहीं ला पा रहे थे, अब डेली ब्लॉग आएगा, तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल पे और डेली ब्लॉग लाएंगे। तो बस आज का ब्लॉग में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारा फूलगोभी कैसा खेती हुआ है, और आप लोगों अगर फूलगोभी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं।